हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत सारा हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट किया और लाइक भी किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो करें सब्सक्राइब और जो पहले से देख रहे हैं वो करें लाइक। तो फ्रेंड, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है आप लोगों का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को फुल देखा करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर किया करें। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि दुल्हन हमारे घर में आई है और उसकी है दावत। तो दावत में मैंने उसे बुलाया है और मेरे घर के सभी लोग आए हैं, तो इस वजह से बुलाना ही पड़ता है। अगर घर में कोई नई शादी होती है तो सबको बुलाना पड़ता है और दावत वगैरह करना ही पड़ता है। तो आप लोग भी देखिए कि मैंने कैसी दावत की है, और कुछ वीडियो मैंने शूट किया है, कुछ नहीं भी शूट किया है। तो जितने भी शूट किया है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मिलेंगे मेरी अपनी फैमिली से, मेरे अपने घर वालों से। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग में मैंने क्या दिखाया है और व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं मिठाई दिखा रही हूँ और मैंने दुल्हन और दूल्हा और मेरे भाईजान और मेरी सिस्टर की दावत की है, तो सभी लोग आए हैं और दूल्हे का बड़ा भाई भी आया हुआ है। और इनकी शादी हुई थी 7 साल पहले और 7 साल पहले भी मैंने इन लोगों को बुलाया था, दावत की थी, तब मेरी सिस्टर जिंदा थी तो वो भी साथ में आई थी। और आज तो वो इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दूल्हे का बड़ा भाई है और मेरे बच्चे हैं और ये बड़ी बहू है मेरी सिस्टर की। और इसी वीडियो में मैंने अपनी सिस्टर की फ़ोटो दिखाई हुई है, तो 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था और ये बड़ी बहू है। तो 2 साल पहले बहुत बीमार हो गई थी, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया था बीमारी की वजह से। और यहाँ पर सारे लोग खाना खा रहे हैं और मैंने बाद में शूट किया था, मैंने नाश्ता वगैरह नहीं शूट किया था और सभी लोग का खाना हो गया था तब मुझे याद आया तो मैंने ये शूट किया था थोड़ा सा। और यहाँ पे दुल्हन भी बैठी है। तो जब किसी की नई शादी होती है तो हम लोग ज़रूर बुलाते हैं दावत में, बड़े बेटे की हुई थी तो भी बुलाया था और छोटी की हुई है तो भी बुलाया है इन लोगों को भी दावत में। तो अभी हमारी सिस्टर नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। और मैंने इसी वीडियो में उनकी फ़ोटो ऐड की है तो किसी ने तो देखा नहीं है, तो आज आप लोग देखें उनको। और इस वीडियो में मैंने इस वजह से पिक्चर ऐड की है कि हमेशा साथ में रहेंगे और बच्चे भी इनके हैं तो इनकी फ़ोटो भी इसी में होनी चाहिए, इस वजह से हमने ऐड की है। और यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं और एक बच्ची है जिसका नाम है फैज़ा, उसके चैनल का नाम है फैज़ा क्राफ्ट एंड ब्लॉग, तो उस चैनल को भी देखें और सपोर्ट करें। उसमें बच्चों का क्राफ्ट का बताया हुआ है, ज़रूर देखें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो सब लोग खाना खा रहे हैं, इस तरह से लोग आते हैं अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें दुल्हन के घर से मिला है गिफ्ट यानी कि कपड़े, तो कपड़े आप देख सकते हैं और ये कपड़े काफ़ी अच्छे हैं।
और इसका कलर भी अच्छा है और ये सिल्क में बना हुआ है और गोल्डन में है, तो कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका काम भी काफ़ी अच्छा है। तो इस शादी में मैंने कपड़े सिलवाए थे और ये एक और मुझे मिला है। तो जब घर में शादी होती है तो कपड़े वगैरह सिलाना ही पड़ता है और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा मुझे, तो शादी में भी कपड़े सिले और ये भी एक मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो गए हमारे पास। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर की फ़ोटो दिखा रही हूँ, जब उनकी शादी हुई थी तो वह ऐसी दिखती थी और यहाँ पर लखनऊ गई थी तो ये फ़ोटो वाइट ड्रेस में उन्हीं का है। अब जब वो उम्रा करने गई थी और इनका बेटा है बड़ा वाला, तो ये ऐसी दिखती थी। तो आप देख सकते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आपको मेरा ये व्लॉग लगा कैसा? व्लॉग पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।